हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खर्रा की सब्जी, जो बेसन से बनता है। हमारे यहाँ तो खर्रा ही बोलते हैं, बहुत लोग के यहाँ गट्टे की भी सब्जी बोलते हैं। तो हम उसको बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, ये है प्याज, लहसुन और मिर्ची। तो चलिए इसको पहले प्याज और लहसुन मिर्ची को पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 प्याज, 6 से 7 लहसुन का कली और 7 से 8 मिर्ची। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। और इधर मैंने 3 प्याज इसमें से निकाल लिया था और इतना लहसुन, इसको हम मसाले के लिए पीसेंगे। तो चलिए पहले पीस के दिखाते हैं आपको। सो मैंने लिया यहाँ पे कढ़ाई, तो हम इसको इस कढ़ाई में अच्छे से निकाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक। हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन हम नाप के लेंगे। हम इसमें 1 कटोरी बेसन का बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ले लिया। हम इसी में डाल दे रहे हैं और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत लग रही है, तो हम इसमें डाल देंगे पानी 1 कटोरी से। तो देखिए, हम 1 कटोरी से पानी डाल रहे हैं इसमें। और इसको अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, पूरा पानी नहीं डाला, तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने फेंट लिया है। ये फेंटने के बाद कुछ इस तरीके से हुआ है। अब इसको हम गैस चला के कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। तो देखिए, यहाँ गैस पे हमने रख लिया है और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से आप लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट तक चलाते रहना। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो गया है, नमक जम रहा है। तो इसी तरीके से हमको लगातार चलाना है ताकि ये अच्छे से पकने न जाए। नहीं चलाओगे तो नीचे से पकड़ ले। तो ये देखिए, इस तरह से हो गया है। तो हम लेंगे 1 कटोरी में पानी। तो हम पहले यहाँ पानी में हाथ डालना है, फिर इस तरीके से देखना। अगर हाथ में चिपका है तो नहीं हुआ है, अगर नहीं चिपका तो हो गया। तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और निकालेंगे इसको किसी बर्तन में। ये देखिए, मैंने इसको 1 थाली में जमा दिया 5 मिनट के लिए। जब तक ये जम रहा है तब तक चलिए हम मसाला पीस लें। मसाले के लिए भी मैंने लिया यहाँ पे लहसुन, प्याज और मिर्ची। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, छूने से लग रहा है ठंडा, तो हम आपको इस तरीके से इसको काट देंगे बीच बीच से। से काट के हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, हम इसको निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डालते हैं कढ़ाई में तेल, तेल को हम गर्म होने दें। तो देखिए, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। देखिए, फ्राई हो चुका है, तो हम इसको निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से हमको सारे को फ्राई करना है। तो ये देखिए, सारा मैंने फ्राई कर लिया। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। सो जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने उसको निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे मेथी दाना। देखिए, इसको हम चटक जाने देंगे और
दाना हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे ये जो हमने प्याज अदरक लहसुन मिर्ची इसका पीसा था, जो डालते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, ये थोड़ी सी लाल वाली तीखी मिर्च है ये, इसमें हम डाल देंगे सब्जी गरम मसाला भी, इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला हुआ है ताकि मसाला जो है अच्छे से पक जाए। ये देखिए मसाला में तेल छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे जो कढ़ाई धो के हुए थे वो पानी डाल देंगे और इसमें हम और पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने डेढ़ चम्मच पानी डाल दिया है और इसमें भी डाल देंगे नमक और इसको हम बाल आने तक पकाएंगे ताकि बाल आ जाए अच्छे से। तो ये देखिए उबाल आने लगा है, हम इसमें ये जो हमने फ्राई किया था इसको डाल देंगे। और इसको हम डाल के 5 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए ये पक गया है, अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं, गैस को ऑफ कर दिए हैं। तो ये देखिए हमारा कढ़ा बन के हो गया रेडी। सो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।